बीएड के एडिशनल पेपर जिन्हें विद्यार्थियों ने देने हैं, लेकिन उन्होंने बीएड जो है एनुअल सिस्टम की है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं की, उन्होंने फॉर्म केड़े ने, उन्होंने थोड़ी जी परेशानी है, लेकिन क्लीयरली इस विच दसन की कोशिश करांगा। ऑलरेडी पिछली वीडियो जिसका लिंक नीचे दिता गया है उहदे विच वख-वखरियां कंडीशनज सेमेस्टर ते एनुअल दियां डिस्कस कीतियां गई हैं, इत्थे ब्रीफ विच करांगा, डिटेल विच उस वीडियो देख सकते हैं, है ना। सब तो पहला एलिजिबिलिटी जरूर चैक कर लेनी है कि तुसी फॉर एग्जाम्पल SST है तो तुसी की दो सोशल साइंसिज पढ़िया हैं, है ना। जे तुसी साइंस दे हो तो की तुसी दो सोशल साइंस, जो बी एड दी मेजर सबजैक्ट की एलिजिबिलिटी है उही एलिजिबिलिटी इत्थे अप्लाई होवेगी। सो हो सकता है कि जनरल सबजैक्ट है, पंजाबी है, इंग्लिश है, तुसी पढ़िया, इलैक्टिव नहीं पढ़िया, उत्थे तुसी एलिजिबल हो, ये कर सकते हो। स्टार्टिंग कदों हुंदी है, एनुअल दी फरवरी च हुंदी है, सिर्फ एक वीक मिलता है, अलर्ट रहना पैंदा है फॉर्म फिल करन लई, मैनुअल फॉर्म, इट मीनस यूनिवर्सिटी जाना पएगा, और तुहाडी कॉलेज फीस जिहड़ी है एनुअल दी 4500 है यूनिवर्सिटी फीस, और कॉलेज दी फीस जो है पहला कॉलेज विच जाना पैंदा है, एडमिशन लेनी पैंदी है, उत्थे 5000 तो 10000 तो जां 12000 तक भी हो सकती है। अटेस्टेशन सब तो पहला कॉलेज चो होनी है, ठीक है। ड्यूरिंग MA तुसी कर सकते हो, यस, क्लैश लई जिम्मेवारी तुहाडी है जे MA ना हुंदा है। टाइम कदों तुहाडे एग्जाम होने ने, मई विच होने आ। रिस्क ऑफ रीपेयरिंग यस है कि जेकर तुसी एग्जाम पूरा कंप्लीट नहीं करते तो रीअपीयर नहीं होएगा, फेल का रिजल्ट आता है। कि दो एडिशनल पेपर दे सकते हैं, यस, दो दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल SST इंग्लिश दे सकते हो। माइग्रेशन चाहिए है जेकर दूसरी यूनिवर्सिटी तो आ रहे हो, जो तुसी एडमिशन लेनी है उस उदों तक माइग्रेशन तुहानू लई होनी चाहिए है, ठीक। जेकर लेट हो जाती है तो उसका फाइन पैंदा है। कंटीन्यूएशन फीस जो माइग्रेशन है तो कंटीन्यूएशन फीस 650 तो 750 के विचकार लगेगी। माइग्रेशन जे लेट हो जाती है तो 500 रुपए तो लैके 2500 रुपए तक का जुर्माना पै सकता है। तुहानू डॉक्यूमेंट अरेंज अटैसटड, अच्छा, डॉक्यूमेंट जड़े ने तुसी सब तो पहला ओरिजिनल नाल लैके जाने, अपने कॉलेज तो भी टैसट कराने, जो यूनिवर्सिटी जरूरत पैंती है ओरिजिनल नाल लैके जाने ने, ठीक। उसनू अरेंज करो क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, सेमेस्टर ते ईयर वाइज। अच्छा, मैंशन जिहड़ा एड्रैस करना है, कोरसपोंडेंस एड्रैस अपने इस फॉर्म विच जिहड़ा असीं भरन जा रहे हाँ, वो 5 डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, पठानकोट, जलंधर, कपूरथला, नवांशहर, ये होने चाहिए ने। मैं टिक करदा अमृतसर, पठानकोट, जलंधर, कपूरथला, नवांशहर, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गौरमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, इन्हों रीजन मिले हुए हैं कि ये रीजन इन्हों का है, उन्होंने रीजन तो बहरले नूं ये जिहड़ी है स्टडी नहीं करवाते, दैट इज़ वाई बाद विच तुहानू एफीडेविट देना पएगा जो 300 रुपए का लगेगा। सो रेजिडेंस अपने किसी रिश्तेदार का दे सकते हो, उत्थे रहन दा कि उत्थे रह रहे हो। इनक्वायरी नंबर इत्थे दा है 01832823057 58 भी है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सी, डाउनलोड करना है, परेशानी की है कि सब तो पहला गूगल ते जाना है, सीधा फॉर्म नहीं मिलता जिथे पए ने, जिस तरह पिछला सेमेस्टर का फॉर्म दस के आए हाँ, उत्थे की फिल करना है, बीएड एडिशनल फॉर्म GNDU.ac.in, इसनों क्लिक कर दिता। इतने दो ऑप्शन आदि ने, सैकेंड ऑप्शन जी आती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, इसते इसनों मैं कलर करके दसन लगा हाँ, बीएड प्राइवेट लिखा होएगा। इस फॉर्म नू तुसी क्लिक करना है, एडमिशन फ्रॉम बैचलर ऑफ एजुकेशन एग्जामीनेशन, ओके, फुल सब्जेक्ट कंपार्टमेंट रीपेयर इंप्रूवमेंट एंड एडिशनल, ये लिखा है एडिशनल, ओके, इसनों क्लिक करना है तुसी, ये मैं क्लिक कर दिता। क्लिक करन तो बाद साडा जिहड़ा फॉर्म भरना है एनुअल वारिया ने, वो पेज खुल गया है। सो फॉर्म नू फिल करन लई पहला भी जिवें मैं पिछले वीडियो च भी इसे तरह ही दस्या सी, टोटल 4 फोटो, वैसे 3 लगदियां ने, मैं 1 प्लस दस रहा हाँ, मतलब ये होगी 3 फोटो लगनगियां, प्लस जे तुसी करवा के रखना चाहते हो अटैसट करवा सकते हो। पहला स्टैप जिहड़ा है ये फॉर्म फिल करन दा, तुसी चूज़ करना है अपना कॉलेज जिथे एडिशनल पेपर देना चाहते हो, जिहड़ा पेपर देना चाहते हो उसके टीचर या उत्थे वो कॉम्बीनेशन होना चाहिए है, उत्थे अपनी फीस की बाकी गलबात करके सैटिस्फाई करके फॉर्म तुसी भर के लैके जाना है। फॉर्म ते रोल नंबर तुसी नहीं फिल करना, इत्थे लिखा होया है, इसनों पहले टिक कर देना है, इसनों अंडरलाइन भी कर दिता जा सकता है, टिक भी किया जा सकता है कि एडिशनल का फॉर्म है। पर्टिकुलर्स ऑफ लास्ट एग्जामीनेशन, मान लो तुसी बीएड का दे रहे हो, 2012 के विच कीती हुई है, तुसी इत्थे लिखता बीएड
रोल नंबर की सी 00000 जिहड़ा उसका लास्ट बी एड दे एनुअल एनुअल का जिहड़ा रिजल्ट आया सी लास्ट वाला रिजल्ट जे सेमेस्टर तो नहीं सी एनुअल से एक ही डी एम सी होएगा तुहाडा सो वो वाला रोल नंबर भरना है सैशन किहड़ा सी 2012 विच मान लो मैं पास की सी रिजल्ट इत्थे लिखना है पास मैं पास हाँ फेल नहीं हाँ सो मैं मेल हाँ कि फीमेल हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं तीरथ कौर हाँ फीमेल हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर इतने दसन की कोई लोड़ नहीं है अपना डी एम सी कढ़ो जिहड़ा बी एड का है पास किया है उसके एज ते सज्जे या खब्बे पासे उत्ते लिखा होएगा रजिस्ट्रेशन नंबर वह भर देना है नेम इन इंग्लिश कैपीटल लैटर टी मेरे ख्याल भरन की जरूरत नहीं है टी आई आर ए टी एच मेरे ख्याल से स्पेस छड़ देनी है के ए यू आर ओके कौर हो गया नैक्सट हो गया तो इस तरह पंजाबी विच लिखना है सोना करके लिखना है पढ़िया जावे तीरथ कौर ओके घबराना नहीं है कि उस तो बाहर आ गया ये आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है फादर्स नेम है पंजाबी विच इंग्लिश विच मदर्स नेम इंग्लिश विच पंजाबी विच सब्जेक्ट ऑफर सब्जेक्ट ऑफर कोई डिटेल नहीं देनी फॉर एग्जाम्पल तुसी पैडागॉजी ऑफ पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश फिल कर रहे हो तो इंग्लिश फिल कर दो पैडागॉजी ऑफ मैथ्स फिल कर रहे हो तो मैथ फिल कर दो ओके सेंटर केड़ा है सेंटर तुसी पांच डिस्ट्रिक्ट जिहड़ियां दित्तियां गईयां नॉर्मली उहदे विच ही है क्योंकि बी एड कॉलेजां दा उहनां दे विच ही बनता है छोटियां सिटीज़ टाउन दे विच नहीं बनता कुड़ियां लई बनता है ग्रेजुएशन लई बनता है तुसी हुण नैचुरली कि सेंटर है तुसी अमृतसर जलंधर पठानकोट नवांशहर कपूरथला इहदे च भरोगे फॉर एग्जाम्पल मैं जलंधर छोटा करके लिखांगा एडा वड्डा नहीं लिखा जा रहा तुहानू समझाउण लई कर रहा हाँ एब्रीवेशन इत्थे लिखनी है जे ए एल ए पा दित्ती मीडियम केड़ा है फॉर एग्जाम्पल फॉरन जाना है मैं इंग्लिश ही प्रैफर करते हैं इंग्लिश फिल कर दिता मोबाइल नंबर अपना जनरल कैटागरी है ना फिल कर दिती सर्कल कर दौ इतने जनरल लिख दौ जो बी सी एफ सी है इतने एस सी बी सी लिख दौ रूरल अर्बन लिख दौ है ना रूरल कि मैं रूरल एरिया तो हाँ इस विच कोई दिक्कत वाली गल नहीं है अगे चलते हाँ कि कोई डिसेबिलिटी है जे है तो वह दसनी है नेत्रहीन बोध लिखना असमर्थ जे उत्तर हाँ विच है तो सर्टिफिकेट नाल नत्थी किया जाए कि तुसीं पंजाब राज दे वसनीक हो यस हाँ ये उदों दा फॉर्म है चल रहा जे हाँ है तुसीं इत्थे लिख देना है जे नहीं तो संबंधित राज दा नाम लिखो जे हाँ है इत्थे कुछ नहीं आएगा इत्थे कांटा हो जाएगा जे इत्थे ना है ना नहीं है तो फिर इत्थे आ जाएगा हरियाणा जिथे भी रहिंदे हो राजस्थान परिवार की सालाना आमदन कोई घबराने की जरूरत नहीं है 1 लाख 2 लाख भर के परा करो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इनकम टैक्स वाले कुते नहीं आते है नैक्सट कॉलम है बी ए बी एस सी विच पास किए विषय सारे विषय फिल कर देने हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी नाल भी इसका संबंध है फॉर एग्जाम्पल तुसी जनरल पंजाबी यू एन जे ए बी आई जनरल पंजाबी जनरल इंग्लिश ओके जिहड़ा दे रहे हो जे इलैक्टिव इंग्लिश है मान लो इलैक्टिव ई एल डॉट इंग्लिश ओके हिस्ट्री मान लो तुसी एडिशनल पेपर भी दिता होया है बी ए बी एस सी विच पास किए विषय वो लिखना है हिस्ट्री है मान लो प्ले तुसी हिस्ट्री दे नाल मान लो म्यूजिक पढ़िया सी और बाद विच तुसी एडिशनल पेपर दिता है एडिशनल पेपर जिहड़ा दिता है वह भी नाल लिख देना है कि पोलिटिकल साइंस मान लो पोलीटल साइंस का बी ए का अडिशनल दे के फिर बी एड एलीजिबल होए हो मैं सिर्फ दस रहा हाँ अजिहा केस हो सकता है सो ये हो गए पहली बार कदों अपीयर होए तुसी फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी कदों गए फॉर एग्जाम्पल 2009 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ली सी ग्रैजुएशन करन लई है ना सैशन भर दो 2009-10 पूरा लिख देना है 2009-10 रोल नंबर डी एम सी तो देख के उसका फिल कर देना है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुहानू डिसक्वालीफाई किया गया है ये जो दो नंबर है ये इतने क्रॉस लगा देने हैं घबराना नहीं है तुहानू नहीं किया गया ओके समा वगैरह क्रॉस कर दिता है नैक्सट है पर्टिकुलर ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम नेम ऑफ एग्जाम बी एड कंपार्टमेंट नहीं है बी एड फॉर फेल नहीं है रीअपीयर कैंडिडेट नहीं है केस साडा नहीं है इसलिए असी इनू खाली छड़ रहे हैं 15 नंबर फॉर कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अपीयर इन अडिशनल सब्जेक्ट यस ये साडा है अडिशनल सब्जेक्ट
नेम ऑफ सब्जेक्ट इतने तुम भर रहे हो पैडागॉजी यूनिवर्सिटी ने जगह बहुत दी है खुले जिगरे ना बरतनी है डरना नहीं है दो है कॉलम है बने हुए जगह कट जाती है खुला उन्होंने पढ़िया जाए कदे कि नहीं घबराई हों पैडागॉजी ऑफ कि भर रहे थे आप मान लो इंग्लिश है इंग्लिश है ना जे एस एस टी है एस एस टी भर देना ईयर रोल नंबर सैशन ऑफ पासिंग बी एड एग्जाम हूँ इतने जो है अच्छा ये वाला ये नीचे ना आवे ये उत्ते इतने भर दो इतों तुसी शुरू करके ए देखो इतों शुरू करके ये अपने पेपर का नाम लिख दो इतने रोल नंबर ना आवे क्योंकि दूसरा शुरू हो जाता है ईयर ऑफ पासिंग नेम ऑफ सबजैक्ट आ गया ईयर ऑफ पासिंग बी एड कदों पास की गई है बी एड है ना तुसी मान लो 2012 विच उदो 2012 लास्ट का तुहाडा रोल नंबर की सी इतने फिल कर देना है हैव यू एवर बिन डिसक्वालीफाइड नहीं योर ए से यस नो इफ यस दैन द नेम ऑफ इनू क्रॉस कर दियो क्रॉस कर दियो ओके ये क्रॉस हो गया बैंक ड्राफ्ट रिसिप्ट नंबर डिमांड ड्राफ्ट जो बनाया होया है उसका रिसिप्ट नंबर लिखना है अमाउंट जिन्ने दी है ना डेट किन्नी है उस से डेट पई हुई है वही लिखनी है अगे डेक्लरेशन है आई हैव नॉट पास दिस और एनी इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी द स्टेटमेंट मेड बाय बी इन दिस फॉर्म इज ट्रू एंड नथिंग हैज़ बिन कंसील्ड और सप्रेस्ड कुछ भी लुकोया नहीं गया आई एम ओन मेरी सारी जिम्मेवारी मेरी है शुड एनी इन्फॉर्मेशन प्रूव इन जेकर कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रूफ होंगी है तो है ना मेरी जिम्मेवारी है द रिसिप्ट ऑफ फीस एडमिशन फॉर्म विल नॉट बी एंटाइटल टू कैंडिडेट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन बट इट विल बी ओनली एंटाइटल हिम और हर टू कंसिडरेशन ऑफ हिज एलिजिबिलिटी जे फीस जमा कराती इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपीयर हो गए हाँ जब तक एलिजिबिलिटी चैक नहीं होंगी इसलिए कहा जाता है शुरू में एलिजिबिलिटी अपनी खुद चैक कर लो या कॉलेज तो करवा लो परमानेंट एड्रैस है 5 जिले जलंधर पठानकोट नवांशहर अमृतसर कपूरथला ये ही चाहिए हैं कोरसपोंडर एड्रैस ये ही चाहिए है मोबाइल नंबर आ गया डेट आ गई ईयर आ गया ओके रिमार्क्स बाय यूनिवर्सिटी ऑफिस इतने तुम कुछ नहीं करना कुछ भी नहीं फिल करना ये सर्टिफिकेट है स्किल इन टीचिंग का जो टीचिंग प्रैक्टिस का कहते हैं अगर तो एनुअल सिस्टम है जैसे ये फॉर्म एनुअल सिस्टम का है तो ये जो डेट फिल करनी है कि आई सर्टिफिकेट दैट एप्लीकेंट हैज़ मतलब प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कॉलेज के कि एप्लीकेंट हैज़ अटेंडेड दिस कॉलेज फ्रॉम डेट डालोगे ना इस डेट का है ना और इस डेट का डिफरेंस जो है 1 मंथ का होना चाहिए अगर एनुअल सिस्टम में है आपने की उनके लिए 1 मंथ है एम ओ एन टी एच ओके अगर आपने की है जो सर्टिफिकेट दूसरा है 2 ईयर वाली सेमेस्टर सिस्टम वाला तो ये इसमें और इसमें डिफरेंस जो है 15 वीक्स का चाहिए मतलब तब आपको 15 वीक्स की टीचिंग प्रैक्टिस या इंटर्नशिप लगानी है तो इन कोर्स आपने फिल कर दिया पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश ये फिल हो गया पूरा फिल करना है बड़ा करके तो बाकी का ये जो सेशन रोल नंबर है ये यूनिवर्सिटी वाले फिल करेंगे आपने कुछ नहीं करना प्रिंसिपल सर यहाँ सिग्नेचर करेंगे स्टैंप लगा देंगे डेट डाल देंगे अब ये रोल नंबर स्लिप है रोल नंबर यूनिवर्सिटी ने क्योंकि देना है यहाँ पर रोल नंबर आप नहीं फिल करोगे इसको खाली छोड़ना है यहाँ पर कुछ नहीं आपने फिल करना यूनिवर्सिटी वालों ने फिल करना है यहाँ लिख दिया यूनिवर्सिटी फिल करेगी प्रख्यार्थी का नाम ये आप लिखोगे जैसे मैं यहाँ हूँ तीरथ कौर लिख दिया और पिता का नाम माता का नाम केंद्र केंद्र सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आप फिल नहीं करोगे बेशक आपका वहीं आएगा जिस कॉलेज में आपने फिल किया है तो यहाँ पर फोटो आ गई गूंद से चिपका देनी है अटेस्टेशन हो जानी है प्रिंसिपल सर से ये भी फोटो लग गई और अटेस्टेशन हो जानी है यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपने कोई फिल नहीं करना यहाँ पर कुछ भी आपने फिल नहीं करना एग्जामिनेशन के अंदर वो भी आपने फिल नहीं करना यहाँ पर आप सिग्नेचर जरूर करोगे ओके तीरथ और ये सोने सोने करके लिख देने हैं तो ये होगी आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आपको कुछ भेजना है वो स्लिप पहले ही एड्रेस की तैयार होती है तो रोल नंबर आप नहीं फिल करोगे यूनिवर्सिटी ने फिल करना है इसमें से नेम आपका सोना सोना फादर्स नेम सोना सोना एड्रेस स्पेसिफिक जहां पर पहुंचती है लेटर पिन कोड ज़रूर फिल करना है ये 6 ऐसे आपने फिल कर देने हैं फॉर्म कंप्लीट करने के बाद प्रिंसिपल सर से चेक करवाने के बाद या टीचर एजुकेटर से पूरा चेक करवाने के बाद आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके यूनिवर्सिटी जाना है
यूनिवर्सिटी में आपने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ पर आपने एडम ब्लॉक में जाना है। एडम ब्लॉक में फैसिलिटेशन सेंटर है। फैसिलिटेशन सेंटर में पहुँच के आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, एलिजिबिलिटी जो भी वो कहते हैं पूरी वेरिफिकेशन करवानी है। फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स की साथ लेके जानी है, अटेस्टेड फ़ोटो एक एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो। वो चेक करने के बाद आपको फिर भेजेंगे फीस डिपॉजिट करवाने के लिए, ठीक है। फीस डिपॉजिट यहाँ होती है, वहाँ पर आपको दो रसीद मिलेंगी, एक बड़े वाली और एक छोटे वाली। जो बड़े वाली है वो फॉर्म के साथ, ये लिख दिया फॉर्म, फॉर्म के साथ अटैच हो जाएगी। छोटी आप रखोगे, संभाल के रखनी है, पक्का संभाल के रखनी है। नॉर्मली यूनिवर्सिटी में गुम हो जाए तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आपने पे की है, अदरवाइज वहाँ कंप्यूटर में से कोई नहीं ढूंढता। तो ये आपने साथ रखनी है और फिर आपने ये फॉर्म के साथ अटैच करके वापस आना है फैसिलिटेशन सेंटर और वहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिलेबस देख के तैयारी शुरू कर देनी है। कोई प्रॉब्लम आए बता देना है, मैसेज कर देना है, नीचे कमेंट कर देना है। और कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है उस सब्जेक्ट का, है ना, स्किल इन टीचिंग में कैसे आप कर सकते हो, नॉर्मली मैं कम मोटिवेटेड होते हो जो एडिशनल वाले हैं, सो कुछ भी पूछ सकते हो। टेंशन नहीं लेना, कर्म करना है, अच्छा करना है, अच्छे का अच्छा ही मिलता है। थैंक यू।